हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में करंट जीके को लेकर के हम जानेंगे, जो कि थंबनेल के सामने आपकी स्क्रीन के सामने लिखा भी हुआ है आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, मैंने कई आर्टिकल लिखे हैं, जैसे कि सबसे पहले है कि अमेरिका ने भारतीय कंपनी पर लगाया सेंशन। ठीक है, इसके ये कौन सी कंपनी है जिस पर सेंशन लगाया गया है, भारत की, वो भी भारत की कंपनी है, और कहां पर किस वजह से इस पर सेंशन लगे हैं ये जानेंगे। ठीक है, और सेंशन का असली मकसद क्या, सेंशन होता क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के ऊपर, या और कौन कौन से देशों पर सेंशन लग चुके हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सभी चीजें जानेंगे आज की इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा कहा है कि जो अमेरिका ने कहा है कि भारत ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, इसी को चर्चा करेंगे इस क्लास के अंतर्गत, इस सेंशन के अंतर्गत। हम जानेंगे कि जैसे कि आपको पता भी होगी कि अमेरिका और भारत का काफी दिनों से संबंध खराब है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होती रहती है ऊपर नीचे पर, लेकिन जो मेन कारण है आपको पता होगी, यूक्रेन और रशिया का युद्ध। ठीक है, रशिया पर सेंशन लगना, और उसके बाद सेंशन लगने के बाद भारत का रूस से ऑयल खरीदना या कच्चा तेल खरीदना। ठीक है, इस चीज को लेकर के अमेरिका भी भड़का हुआ है भारत से। ठीक है, तो जिक्र करेंगे अपनी क्लास के अंतर्गत, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ मैगजीन द हिंदू, आप में लिखा यूएस इम्पोसिस सेंशन अगेंस्ट इंडियन पेट्रो केमिकल कंपनी। ये भारत की कंपनी है, इसकी भी चर्चा करूंगा प्रॉपर तरीके से, कहां पर है स्थित है, क्या इसने गड़बड़ करी है, क्या इसने मतलब क्या किया है जिसके कारण सेंशन खाना पड़ा इसको। ठीक है, प्रतिबंध लगा है, जिस पर सेंशन का असली मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो इसी तरह द प्रिंट में भी लिखा हुआ है, तो ये आपके सामने मैगजीन है, आप पढ़ सकते हो। हाँ, क्लास शुरू होने करने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में भारत सरकार ने किसको अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि दूसरे नंबर के हैं पहले नंबर पर बिपिन रावत से। इन कमेंट मुझे बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो अनिल चौहान है, जनरल बिपिन रावत जो कि पहले थे, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, या जनरल मनोज पांडे हैं, इन कमेंट मुझे बता देना, और एंड ऑफ द वीडियो इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि भारत और अमेरिका के काफी संबंध थोड़े से खराब चल रहे हैं, और उसको लेकर के भारत पर की जो कंपनी है उस पर थोड़ी सी बढ़ास लगाने की कोशिश करी है अमेरिका ने। ठीक है, मैं बता दूं कि वो कंपनी जो है, वो कंपनी है त्री बालाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये वो कंपनी है, महाराष्ट्र में मुंबई में है, बांद्रा के आसपास है, केमिकल सॉल्वेंट बनाती है जिसमें कच्चे तेल का अधिक मात्रा में प्रयोग करके इन चीजों को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने बता दिया वो कौन सी कंपनी है, टी बालाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आपके पूछ सकता है कौन सी कंपनी बैन या सेंशन लगा है अमेरिका का। ठीक है, आइए थोड़ा मैं बता दूं इसके बारे में। आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें लिखा हुआ है यूएस सेंशन इंडिया कंपनी, भारत की जो कंपनी है टी बालाजी, जो जिस पर सेंशन लगा, क्यों लगा वो मैं बता देता हूं। अमेरिका ने ईरान के साथ, जो कि हिट लिस्ट में है सेंशन के रूप में, ईरान देश अमेरिका की में, ठीक है, तो ईरान के साथ डील करने के आरोप में एक भारतीय कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। बाइडेन सरकार ने ईरानी से हजारों करोड़ रुपए के पेट्रोलियम और केमिकल प्रोडक्ट खरीदने वाली साउथ और ईस्ट का, जो ईस्ट एशिया है अपना, उसकी 8 कंपनियां टोटल मिलाकर, जिसमें इंक्लूड भारत की कंपनी है टी बालाजी जो पेट्रोलियम, उसको मिला करके इनको सेंशन लगा दिए इनके ऊपर। ठीक है, खास बात क्या है कि ये सबसे पहले, आज ये पहली बार हुआ है अपने भारत के अंतर्गत जिस पर यूएस का ईरान के साथ डील करने पर अपनी कार्रवाई की है, मतलब प्रतिबंध लगाया, सेंशन लगाया अमेरिका ने। अमेरिका की ट्रेजरी विभाग ने बताया कि यूएस की कार्रवाई उन ईरानी दलालों और हांगकांग यूएई भारत की कुछ कंपनियों के पर की गई है, जो ईरान पर यूएस प्रतिबंध के बाद भी कुछ पेट्रोकेमिकल खरीद रहे थे। ठीक है, कुल मिलाकर ये है कि चाइना का रास्ता था, और जो ईरान की जो दो कंपनी है, दो कंपनियां थी, दो कंपनी ईरान की थी जिस पर ऑलरेडी बैन लगा पड़ा था। ठीक है, किसका, यूएस का। ठीक है, उसके साथ कुछ समझौता कर रही थी अपनी चीज को लेकर के, भारत की कंपनी टी बालाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड जो, इसको भी सेंशन में लगा दिया है। ठीक है, तो वो अपनी सेंशन है। अब मैं बता दूं थोड़ा सा, ये आपके सामने है। ठीक है, तो मैं इंडिया यहाँ पर, अपना ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, अफ्रीका यहाँ पर है, महाद्वीप है, रशिया ऊपर है, ठीक है, चाइना यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आप देख रहे हो यूएस नहीं, पर लेकिन यूएस एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक विकसित देश है, विकासशील देश नहीं है। विकसित देश का मतलब है डेवलप कंट्री है वो भाई, वो उसके इंटरनेशनल लेवल हर देश से कनेक्ट है,
और वो एक विकसित देश होने के कारण अपना पूर्ण फायदा उठाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रतिबंध का भी असर कैसे पड़ता है, क्या कारण रहता है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, ईरान समेत 6 देशों के आर्थिक प्रतिबंध लगाए इसने, किसने, यूएस ने। अमेरिका ने 2019 की बात बता दू, 6 देश है जैसे कि ईरान हिट लिस्ट में सबसे ऊपर, फिर उत्तर कोरिया, सीरिया, सूडान, वेनेजुएला, क्यूबा शामिल है। 6 देश प्रॉपर तरीके से 2019 में इस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, और भी देश हैं जैसे कि बाल्कन, बेलारूस, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डी कांगो, इराक, लेबनान, लीबिया, माली, ये 10 सभी, इन सभी पर कुछ ना कुछ किसी प्रकार का सेंशन लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं असली पॉइंट पर आता हूँ कि प्रतिबंध या सेंशन का मतलब क्या होता अमेरिका की। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। अमेरिका देश के हिसाब से उन पर प्रतिबंध लगाता है, मगर सबसे कड़ा आर्थिक प्रतिबंध होता है, इकोनॉमिक दृष्टि को गड़बड़ा देता है देश की को। ठीक है, प्रतिबंध क्योंकि इसके कनेक्ट हर देश से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं। ठीक है, उससे वार्तालाप करता है, मीटिंग में जाता है, वहां से उसके संबंध खत्म करवा देता है, ये मेन कारण है इसके, जिसके तहत उसके साथ व्यापार समझौते रद्द करना होता है, इसका अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मिलने वाली विदेशी फंडिंग को रुकवा देता है, आयात निर्यात को रद्द करवा देता है। ठीक है, ये प्रतिबंध इसके सेंशन अपने खुद सेंशन बोलता है इसमें, सेंशन का मतलब ये चीज रुकवा देता है, साथ ही राजनीतिक संबंध तोड़कर उसे देश के अकेला का प्रयास करने की कोशिश करता है। मैं एक बात बता दूं कि 4 नवंबर 2018 को अमेरिका ने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए थे, इसके तहत ईरानी सरकार के लोगों पर भी प्रतिबंध लागू कर दिए, मतलब सरकार पर, उसके वहां पर जो लोग रह रहे उन पर, वहां की कंपनियों पर, जहाजों पर, कुल मिलाकर सब पर सेंशन लगा दिए थे ईरान पर, जो कि ईरान की 2 कंपनियों के साथ अपनी भारत की कंपनी उस पर किसी को चीज को लेकर के आपस में व्यापार कर रही थी, या पर किस क्या चीज कर रही थी, उस चीज को देख करके सेंशन लगाया है। ठीक है, तो ज्यादा उजागर न करके थोड़ा इतनी रहने दो उस बात को। ठीक है, अब प्रतिबंध का असर क्या पड़ता, असली मकसद क्या है, आर्थिक प्रतिबंध मैं बता चुका हूँ, असर को हम ईरान के उद्धार से समझें। मैं बता दूं कि 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु डील हुई है। ठीक है, नतीजे में अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। फिर देखो, ईरान की जीडीपी जो थी 12.3% बढ़ोतरी पर आ गई थी एकदम, मगर 2018 में जैसे ही प्रतिबंध दोबारा लगा, किस पर, ईरान पर, तो उसकी जीडीपी 3 से नीचे पहुंच गई। ठीक है, 2019 में यह तो 10 से नीचे गिर गए, और यही नहीं, उसके तेल पर जो उत्पादन था वो भी भारी गिरावट आ गई। देख लो इसका जो प्रतिबंध है उसका असर देख लो आप, एक किसी देश पर कैसा पड़ता है, उसकी इकोनॉमिक, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से डगमगा देता है यूएस का प्रतिबंध या सेंसन, तो आपके सामने मैंने बता दिया है। ठीक है, हालांकि भारत पर इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी, हम तो हमें फिर क्या गम है। ठीक है, तो मैं सीधा क्वेश्चन पर आते हैं अपने पर, जो क्वेश्चन था उसका आंसर अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, दूसरे सीडीएस अपने, ठीक है, 3 सेनाओं के सबसे ऊपर हैं, कौन, अनिल चौहान साहब, इससे पहले कौन है, बिपिन रावत, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आपको ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज से किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है मेरे भाइयों को, या फिर जीके से रिलेटेड कोई भी, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, तीनों सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से मेरे YouTube चैनल पर पढ़े, निशुल्क सेवा अपने भाइयों के लिए। ठीक है, और 6th to 10th क्लास NCERT बेस्ड हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस सेट लगा पड़ा है, आप जाकर के प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने करवाई है। ठीक है, जो बिल्कुल जीरो है जीके के अंतर्गत, जो बोलता है जीके से डर लगता है, उसका भय ना खत्म हो जाना बिल्कुल, तो मेरे दौर कह दीजिए कि हाँ मेरे खत्म ना हो, तो क्योंकि प्रैक्टिस सेट पढ़े, टेस्ट सीरीज पढ़ी है, बहुत प्रकार के मेरे YouTube चैनल पर फ्री पढ़े बिल्कुल, और PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो अमित सर जीके के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से सीधा वहां पर पहुंचो, किस पर, टेलीग्राम पर, और सीधा प्राप्त कर लो, टेस्ट सीरीज हो या फिर कोई भी PDF आपको ले, करंट अफेयर हो या विश्व अफेयर की क्लास हो, ठीक है, सभी प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हो। तो आशा करता हूँ आज की क्लास, आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और इसी साथ में इसी तरीके से लगा रहूंगा फ्री शिक्षा ऑन YouTube पर। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।